बिहार स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रचारक बंगई के चर्चे अब आम से हो गए हैं। दरअसल अगर स्कूल की व्यवस्था की बातचीत कर ली जाए तो छात्रावास में टूटी खिड़की दरवाजे, टूटे वॉश बेसिन, जर्जर पानी की टंकी और छत से टपकने पानी और परिसर में जहां तक गंदगी देखी जा सकती है, जिस पर परिजन नाराजगी जाहिर करते हैं, तो प्रचारक के आतंक का सामना बच्चों को करना पड़ जाता है। बीते 14 जुलाई को जब स्कूल के छात्र मसूरी स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद भर्ती हुए थे, तब भी स्कूल के मैट्रन और प्रचारक स्कूल परिसर में गंदगी से बच्चों की बीमारी की बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया पर खबरें नहीं छापने को लेकर धमकी भी दे रहे थे। हालांकि अब लापरवाह और दबंग प्रचारक की शिकायत कलेक्टर से की गई है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज हरिओम शिवास फोन लाइन से जुड़ गए। हरिओम, कलेक्टर से शिकायत करने के बाद आखिरकार संज्ञान लिया गया है, कब तक जो अव्यवस्थाएं वो ठीक कर ली जाएंगी? जी मैडम, बताना चाहूंगा कि पूरी ब्लॉक में एक ऐसा आवासीय विद्यालय है नवोदय विद्यालय, जहाँ 500 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और ये केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ के प्राचार्य द्वारा पत्रकारों को दबंगे दिखाते हुए यह कहा जाता है कि यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी या नवोदय विद्यालय की कोई खबर नहीं चलाएगा। कुछ दिन पहले बता दूं कि 14 जुलाई को नवोदय विद्यालय के करीबन 7-8 छात्राओं को मसूरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जिस संबंध में हम लोग पत्रकारों ने जानकारी ली थी, तो उनके द्वारा यही पूछा गया कि कोई पत्रकार इस खबर को नहीं छापेगा और न ही कोई परिसर की कोई भी खबर बाहर किया जाएगा। फिलहाल प्रचारक के खिलाफ क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी अभी तक तो कार्रवाई की कोई तैयार नहीं है। लगातार पत्रकारों ने कलेक्टर साहब और एसपी जी को ज्ञापन सौंप दिया है और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी चलिए, आपके पास वापस आएंगे इस पर हमारे साथ फोन लाइन पे। दूसरी तरफ खुद प्रचार्य जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो उस स्कूल के प्रचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका। हेलो, आप कौन जी? हेलो जी, मैं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से बोल रही हूँ और हमारे संज्ञान में बात आई थी कि लापरवाहियाँ दी जा रही हैं आपके स्कूल में और अगर बच्चे शिकायत करते हैं या उनके अभिभावक शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात कि मैं प्राचार्य नहीं हूँ, प्राचार्य महोदय अभी बाहर हैं। प्राचार्य महोदय का नाम है श्री सुरेश चंद्र हैं प्राचार्य। और मैं आपका परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है, मैं वरिष्ठ शिक्षक हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में। और ये जो स्कूल के बारे में आपसे जानकारी लेनी है, आपसे चर्चा करनी है, कलेक्टर साहब ने हाल ही में फरमान जारी किया है कि दोषी प्राचार्य जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो प्राचार्य छात्रों को डराते धमकाते हैं कि अगर आपने शिकायत की, मीडिया में अगर बात की या कहीं और आपने शिकायत की तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। उन्हें डराया जाता है कि वो किसी तरीके की लापरवाहियों के खिलाफ ना बोले, क्यों ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो जिन्होंने न्यूज दिया है बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता कि बच्चों को डराया जाए या बच्चों को धमकाया जाए, बच्चे सभी अच्छे से रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कलेक्टर साहब ने आदेश क्यों जारी किया है? आदेश किस तरह का आदेश? कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है कि प्रचार्य साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं और जो तमाम तरीके की गंदगी या फिर अव्यवस्थाएं जो देखी जा रही है उसके खिलाफ जो भी छात्र बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शब्द प्रचार्य साहब के हैं। नहीं नहीं, बच्चे तो बीमार है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। 2-3 बच्चे बीमार हुए थे जो कि मसूरी हॉस्पिटल में दिखाया गया था। मैडम, 500 बच्चों का स्कूल है, 2-3 बच्चे मौसम खराब होने की वजह से भी बीमार होते भी हैं। मामूली सी बीमारी थी, सर्दी बुखार, तो उनको ले जा करके ट्रीटमेंट कराया गया। बच्चों ने ये भी आरोप लगाया है कि बार बार गलतियों को छुपाने की कोशिश होती है, यहाँ तक कि अभिभावकों से भी ये कह दिया जाता है कि अगर शिकायत की गई तो आपके बच्चे को परेशान किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है मैडम, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत बात है तो कलेक्टर साहब यूं ही नहीं किसी स्कूल के प्रचार्य को आदेश दे देते हैं? जिन्होंने भी आरोप लगाया है उन्होंने बिल्कुल, जिन्होंने भी नहीं, ये एक नहीं, दो नहीं, तमाम सारे वहाँ पढ़ने वाले छात्र और न सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं। एक या दो का मामला नहीं है ये। हमारे विद्यालय आप कैसे इस बात को झुठला सकते हैं? क्या कलेक्टर साहब को भी झुठला सकते हैं आप? कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है कि अब कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी तब भी आप झुठलाएंगे?
नहीं, झुठलाने का तो सवाल ही नहीं है, अधिकारी जो भी कदम उठाएंगे, लेकिन ये बात ये है कि ये दुर्भावनावश किया गया है। ये एक पत्रकार जो हमारे विद्यालय कैंपस में ही रहते हैं, उन्होंने दुर्भावनावश किया है, क्योंकि उनके पिताजी का प्रमोशन ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में इन्होंने नाराजगी जताई है और अपनी पत्रकारिता दिखाई है। पत्रकारिता होने का उन्होंने हमारे तो जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वास्थ्य संवाददाता भी जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस स्पेशल में तय, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।